के अंदर घर भी बने हुए छोटे छोटे, यहाँ पर लोग भी रह रहे थे गैर कानूनी तौर पर। जब यहाँ से ये पूरा जब ये पेड़ पौधे साफ होंगे तो आपको उसको पता भी चलेगा कि इसके बैक साइड पर एक हाइब्रिड भी यहाँ पर मौजूद है। देखें इस वक्त यहाँ पर मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, बाउंड्रीज वगैरह थी, उन तमाम तर बाउंड्री वगैरह को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। देखें जेल चौरंगी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बड़े पैमाने पर इस वक्त कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वक्त मैं जेल चौरंगी की साइट पर मौजूद हूँ और जेल चौरंगी पर तमाम तर तजवुजात के ख़िलाफ़ यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर जितना भी इस वक्त यहाँ पर मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, बाउंड्रीज वगैरह थी, उन तमाम तर बाउंड्री वगैरह को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। देखें जेल चौरंगी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बड़े पैमाने पर इस वक्त कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। जैसे कि मैंने पिछली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था रोड के उस पार का, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है, कोई भी आता है वहाँ पर मलबा फेंक जाता है, बहुत ज़्यादा रोड के जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो हमने गुजरता रोज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ की भी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वहाँ से तमाम तर कचरे को उठा लिया गया है, तमाम तर मलबे को उठा लिया गया है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटर सैफुल रहमान के कहने पर अब तमाम तर जगहों पर अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा कायम किया जाएगा, कहीं पर पार्क बनाया जाएगा, कहीं पर पौधे लगाए जाएंगे, कहीं पर पेड़ लगाए जाएंगे। इस वक्त देखें एक्सक्यूटर मशीन यहाँ पर मौजूद है, जबकि बड़ी तादाद में इस वक्त KMC का इदारा इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त जो इजाफी जो यहाँ पर मलबा है उसको उठाया जा रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी स्पेस को इस वक्त कश्मीर पार्क बनाने का मंसूबा यहाँ पर शुरू किया गया है। इस वक्त यहाँ पर डायरेक्टर भी मौजूद हैं और बहुत सारे यहाँ पर अमला जो इस वक्त KMC का जो है यहाँ पर मौजूद है, जो इस वक्त काम को सरे अंजाम दे रहा है। इस वक्त देखें इस तरीके के जो काम है माजी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें अब जो है तमाम तर कराची के अंदर हम देखें तो हर जगह जो है बैठने की जगह नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि पेड़ पौधे जो सही तरीके से कायम नहीं है, जगह जगह पर कचरे फेंके हुए हैं, जगह जगह मलबा गिराया हुआ है। तो ये सब के बारे में अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं सैफुल रहमान साहब, उन्होंने जो है अब काफ़ी ऐसा फैसला लिया है जो अब पूरे कराची को जो है साफ़ सुथरा बनाना है, तमाम तर जगहों से इस वक्त कचरे को हटाना है, मलबा उठाना है। तो ये पूरी जगह पर देखें जब यहाँ से ये पूरा जब ये पेड़ पौधे साफ़ होंगे तो आपको उसको पता भी चलेगा कि इसके बैक साइड पर एक हाइब्रिड भी यहाँ पर मौजूद है। देखें सैफुल रहमान साहब ने ये फैसला तो ले लिया, क्या उनके इस फैसले पर काम को प्रॉपर तरीके से किया जा सकेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पानी का जो निज़ाम है कराची के अंदर, आपको पता है कराची के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कराची वालों को पानी नहीं मिलता। लेकिन बहुत गमगीन फैसला जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची और गवर्नर सिंह ने ले लिया है। और देखें यहाँ पर मुकम्मल जो है पूरे जगह से इस वक्त झाड़ियाँ जो हैं, जंगलात यहाँ पर जो मौजूद थे, जंगली पेड़ पौधे, उसके अंदर गार भी बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर लोग भी रह रहे थे गैर कानूनी तौर पर। तो इस पूरी जगह को अब इस वक्त जो है साफ़ किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर KMC का अमला मौजूद है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं और क्रेन मशीन मौजूद है, एक्सक्यूटर मशीन मौजूद है, और इसके साथ आपको यहाँ पर अंदर हाइब्रिड भी नज़र आएगा। तो थोड़ा सा मज़ीद मैं आगे की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा मैं और मज़ीद अंदर की तरफ आया हूँ। इस वक्त यहाँ से भी तमाम तर जो है झाड़ियों को यहाँ से उठाया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर भी दो गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद है जो KMC की है, यहाँ से तमाम तर जो कचरे को यहाँ से उठाया जा रहा है, एक्स्ट्रा मलबे को यहाँ से उठाया जा रहा है। देखें यहाँ पर देखें पूरा ये मुकम्मल जो है कश्मीर पार्क का यहाँ पर इस जगह को डेवलप करना है और इस जगह को मुकम्मल कश्मीर पार्क के नाम से इसको कायम करना है। देखें जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल बैक साइड वाला हिस्सा है और यहाँ पर से देखें ये तमाम तर जो है झाड़ियों को इस वक्त गाड़ी जो है यहाँ से रिमूव कर रही है और बाकायदा ये पूरी मुकम्मल इस पूरे स्पेस को साफ़ करने के बाद यहाँ से एक पार्क की शक्ल को देखें, पार्क की शक्ल यहाँ पर देनी है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर
कराची ने जिस तरीके से कहा है कि यहाँ पर मुकम्मल एक ऐसा मंसूबा कायम किया जाएगा जहाँ पर लोग गुज़रते वक्त देखेंगे कि वाकई में यहाँ पर कोई एक पार्क तैयार किया गया है। कराची के बीचों बीच अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा भी कायम किया जा रहा है। अलादीन पार्क को भी काफ़ी बड़े स्पेस पर इस वक्त अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा वहाँ पर कायम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ से तमाम तर कचरा उठा लिया गया है, मलबा उठा लिया गया है, बाकायदा पौधे लगा दिए गए हैं। इसके साथ सामने वाली जेल चुरंगी के बिल्कुल सामने फ्रंट मेन पर वहाँ से भी मुकम्मल जो है कचरा उठा लिया गया है और तमाम जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ था वो भी साफ़ कर दिया गया है। अब नीपा पर भी काम को शुरू कर दिया गया है। नीपा के भी साथ जितना भी कचरा है और जितने भी मलबा है उसको भी वहाँ से उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराची में अब हर वक्त देखने को मिलेगी। आप जब भी कराची में ऐसी जगह से गुजरेंगे जहाँ पर चारों तरफ आपको प्लांटेशन और चारों तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।